और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कामों से ग्वालियर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। ग्वालियर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर का हृदय स्थल महाराजवाड़ा सुभाष मार्केट के सामने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पत्थर लगाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी ने यह कार्य L&T को सौंपा है। बता दें कि यह ठेकेदार पूर्व विधायक मुन्ना लाल साढ़ू को सौंपा गया है। जब महाराज बाड़े पर ठेकेदार पत्थर लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पत्थर लगाने के पहले अंडरग्राउंड विद्युत की लाइन भी डाली गई है, जिसके बाद डाली गई अंडरग्राउंड विद्युत की लाइन के ऊपर से पत्थर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन पत्थरों के नीचे 11,000 KV का एक करंट दौड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारी हजारों लोगों को मॉब का निमंत्रण भी दे रहे हैं। जिस जगह पत्थर लगाने का काम हो रहा है, उस जगह पर हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है विजयादशमी का दिन, जहां उन पत्थरों के ऊपर से एक गाय गुजरी और कुछ ही क्षणों पश्चात उसकी करंट से मौत हो गई। अब आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जब करंट से मवेशी की मौत हो सकती है, तो जहां हजारों की तादाद पब्लिक निकलती है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्मार्ट सिटी, L&T या फिर ठेकेदार जो यहाँ काम कर रहे हैं? वही मामले को लेकर जब MKN न्यूज की टीम ने L&T के मुखिया मणि से संपर्क साधना चाहा, तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। तो वही स्मार्ट सिटी CEO नाथू माथुर का कहना है कि हम लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जबकि धारा 304 AK के तहत इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, ताकि कोई अन्य वहां दुर्घटना ना हो। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही वर्तमान में जिस जगह करंट से गाय की मौत हुई है, वहाँ कोई बैरिकेड नहीं लगाया गया है। सबसे खास बात यह है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अंडरग्राउंड लाइन का काम चल रहा है। ये काम पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के साढ़ू भाई करवा रहे हैं। तो FIR ठेकेदार पर होना चाहिए, L&T कंपनी पर होना चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी पर, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। MKN न्यूज का ग्वालियर वासियों से निवेदन है कि जब भी आप ग्वालियर बाड़े पे जाएं, तो सोच समझ कर जाए। कब आपको मौत के आगोश में जाना पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि ग्वालियर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन संज्ञान में जब ये बात डाली तो मैंने अपने टीम से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया है कि मौके का विजिट कर लिया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इशू था, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नगर निगम ने इसका कर दिया है। और जो भी हमारा ठेकेदार काम कर रहा है अभी, चूंकि मैं खुद उसको रिव्यू नहीं कर पाई हूँ, तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन इसमें केबल वगैरह जहां तक चेंज कराने की बात है, तो वो हम लोग, हमारा ठेकेदार करा देगा। L&T डिपार्टमेंट को हम ऐसा निर्देशित कर देंगे यदि हमारी उससे किया है। बाकी और उसकी मौके की मतलब जड़ तक जाने का मैं प्रयास करूंगी, बाकी सभी डिपार्टमेंट के साथ चर्चा करके। तो हम कोशिश